एक देश से दूसरे देश शिफ्ट करने के लिए मन में कई ख्याल आते हैं। बात करें अगर कनाडा की, तो ये देश आपके उन सभी ख्यालों को और सपनों को भी पूरा कर सकता है। आज हम आपको इसी बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कनाडा पृथ्वी पर सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। इतना ही नहीं, इसे रहने के लिए सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक भी माना जाता है। वैसे तो यहाँ रहने के लिए जगह की कमी नहीं है और ना ही कमी है यहाँ रहने के लिए वजहों की। अगर फायदों की बात करें तो नज़ारों से सराबोर है कनाडा। कनाडा वास्तव में खूबसूरत नज़ारों से सराबोर जगह है। खूबसूरत पहाड़ों के साथ साथ कई विशाल जगहें हैं जो आज भी एकदम खाली हैं। जंगलों से लेकर झीलों और पहाड़ों तक का विविध दृश्य और भी भव्य है। जीवन की समग्र गुणवत्ता, जहां क्वालिटी ऑफ लाइफ के ले सकते हैं पूरे मजे। कनाडा को जीवन की गुणवत्ता के साथ उच्च जीवन स्तर यानी कि क्वालिटी लाइफ के लिए भी जाना जाता है। न केवल इससे काम और खेलने के बीच सही संतुलन मिला है, बल्कि दोनों का आनंद लेने के लिए यहाँ सही वातावरण भी है। अगर आप कनाडा में रहने आते हैं तो आप सचमुच ज्यादा फ्रेश महसूस कर सकते हैं और इस बात का पूरा श्रेय आराम पर दिए गए जोर को जाता है। विशाल और सुंदर प्रॉपर्टीज। कैनेडियन घर उनके पड़ोसी यूके के घरों की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। ये इस तथ्य के कारण हो सकता है कि यहाँ पर बहुत अधिक खाली स्थान है। आप पाएंगे कि यहाँ की औसत मेंबरों वाले परिवार का घर भी बहुत बड़ा होता है और अधिक कमरे होने से परिवार का अच्छी सहूलियत से रहना आसान हो जाता है। कनाडा में नौकरी के शानदार अवसर। कनाडा की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और विकास आवश्यकता को अधिक प्रेरित करता है, जो सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए सभी प्रकार के अवसरों को खोलता है। फेडरल स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम के तहत वर्तमान में 347 व्यवसाय हैं जो आपको फास्ट ट्रैक एंट्री के लिए मौके बना सकते हैं। वे मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन और अधिक व्यवसायों की एक विशाल विविधता को कवर करते हैं। इसलिए अगर आप कनाडा में शिफ्ट होने का प्लान बना रहे हैं तो अपने स्किल्स की लिस्ट जरूर बना लें। मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल। यूके के एनएचएस के समान कनाडा की मेडिकेयर प्रणाली भुगतान करने की क्षमता के बजाय जरूरत के आधार पर सभी को मुफ्त बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करती है। इससे सभी के लिए सुलभ बनता है और साधारण काम करने वाले कैनेडियन लोगों के दिमाग से एक बड़ा बोझ घटा देता है। और ब्रिटिश प्रवासियों के लिए अच्छी खबर है, जो कि इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। कनाडा सहनशील और खुले विचारों वाला देश। ये शायद कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि HSBC एक्सपैट एक्सप्लोरर सर्वे के अनुसार कनाडा टॉलरेंस में पहले स्थान पर था। आसपास के सबसे खुले विचारों वाले देशों में से एक होने के लिए प्रसिद्ध कनाडा 2005 के बाद से ही लिंग विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज की अनुमति दे रहा है, जबकि अन्य देश अब केवल इसे शुरू करने की अनुमति दे रहे हैं। गुणवत्ता और सस्ती विश्वविद्यालय शिक्षा। औसत इंग्लैंड के विश्वविद्यालय की फीस अब दुनिया में सबसे अधिक हो रही है, यहाँ तक कि USA से भी अधिक। स्टूडेंट लोड रिपेमेंट कैलकुलेटर वेबसाइट के अनुसार ये जानना अच्छा है कि कनाडा में फीस $4,761 से भी कम है, यानी कि अगर आप यहाँ पर एजुकेशन के लिए आते हैं तो आपको सस्ते में अच्छी गुणवत्ता वाली एजुकेशन प्राप्त होगी। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 के अनुसार टोरंटो और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया दोनों ही दुनिया के शीर्ष 50 में से हैं। कनाडा शिफ्ट होना है आसान। कनाडा में प्रवासियों का आना एक बहुत ही आम बात है, खासकर ब्रिटिश प्रवासियों का। इसलिए आपके परिवार को स्थानांतरित करने और अपने सामान को शिपिंग करने की प्रक्रिया काफी सरल है। कनाडा के सभी भागों में लोगों के व्यक्तिगत चीजों को ले जाने वाले कंटेनर जहाजों की नियमित चलन होता है, जो कि आपके सामान को कनाडा के किसी भी कोने में पहुंचा देंगे। कैनेडियंस नई प्रवासियों का स्वागत करने के लिए भी प्रसिद्ध है, इसलिए आप जल्द ही घर पर भी दोस्त बना सकते हैं। तो अब बस इसके बाद एक ही सवाल रह जाता है, आप कब कनाडा में प्रवेश कर रहे हैं? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।